दोस्तों गुड मॉर्निंग, आज हो चुका है 20 अप्रैल 2019 और आज शनिवार के आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित सभी मुख्य खबरें आपके लिए हाजिर है। पहली खबर से लेकर आखिरी खबर तक सभी खबरें आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो उस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि सभी को इन अपडेट्स के बारे में पता चल सके। तो चलिए चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। आंगनबाड़ी मुलाजिमों ने संघर्ष का बिगुल बजाया और ये न्यूज निकल कर आ रही है पंजाब के संगरूर से। राज्य में 22 जिलों में कार्य करती वर्कर हेल्पर के मान भत्ते में केंद्र सरकार ने 1500 व हेल्पर के 750 रुपए 2018 से बढ़ावा किया था, किंतु पंजाब सरकार द्वारा वर्करों व हेल्परों को अभी तक ना तो मान भत्ता दिया है न ही बकाया वेतन, जबकि केंद्र सरकार बजट भेज चुकी है। पंजाब सरकार चुप बैठी है, जिस कारण संगठन को पंजाब सरकार खिलाफ संघर्ष को मजबूर होना पड़ रहा है। बलजीत कौर पेदनी ने बताया कि बढ़े हुए मान भत्ते की फाइल संबंधित विभाग द्वारा मंजूरी नहीं दी जा रही है, जो पंजाब सरकार की धक्केशाही है। 7 माह से वर्कर हेल्पर बढ़े हुए वेतन के पैसों की प्रतीक्षा कर रही है, जिस कारण संगठन ने प्रांतीय प्रधान हरगोविंद कौर ने 20 अप्रैल को बठिंडा टीचर्स होम में बैठक बुलाई है, जिसमें संघर्ष की रूपरेखा तैयार की जाएगी। तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है पंजाब के संगरूर से। यहाँ पर जो केंद्र सरकार द्वारा 1500 रुपए और 750 रुपए की बढ़ोतरी 2018 के अक्टूबर में की गई थी, उस बढ़ोतरी को अभी तक लागू नहीं किया गया, यानी कि अभी तक उस बढ़ोतरी के अनुसार वर्करों को वेतन नहीं मिल पा रहा है। और दोस्तों अब आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए कि आपके यहाँ उस बढ़ोतरी को लागू कर दिया गया या फिर आप भी अभी तक अपने उस बढ़े हुए वेतन का इंतजार कर रहे हैं, नीचे कमेंट बॉक्स में आके बताइएगा जरूर। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है छत्तीसगढ़ के जशपुरा नगर से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को नहीं मिला मानदेय, परियोजना फरसा बहार के आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सायका को विगत 3 माह से बाद तपकरा परियोजना के कार्यकर्ताओं एवं सायका को 2 माह से मानदेय नहीं मिला है, जिससे उन्हें भारी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि अफसरों का कहना है कि फरवरी तक का बिल ट्रेजरी में जमा कर दिया गया था, पर आवंटन नहीं मिलने से पास नहीं हो पाया। साथ ही ट्रेजरी अधिकारियों द्वारा भी आपत्ति की गई है। फरसा बहार के इन कर्मियों का माह जनवरी एवं तपकरा के कर्मियों को माह फरवरी से मानदेय अप्राप्त है, जबकि अनेक कर्मी ऐसे हैं जो इसी के भरोसे जीवन यापन करते हैं, लिहाजा मानदेय नहीं मिलने से राशन सहित अन्य घरेलू सामान दुकानों से उधारी में लेकर जीवन निर्वाह कर रहे हैं। लंबा समय बीत जाने से दुकानदार भी अपना हाथ खींच रहे हैं एवं उल्टे तकाजा करना शुरू कर दिया है। वहीं शादी ब्याह का सीजन होने से अनेक कर्मियों के घर पर परिजनों के यहां शादी कार्यक्रम संचालित हैं, जहां परिजनों एवं दोस्तों यारों के यहां उपहार देने का प्रचलन है, जिसके लिए भी रकम का होना जरूरी है। पर जो स्वयं आर्थिक तंगी से जूझ रहा हो उसकी क्या स्थिति होगी, सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। फरसा बहार कार्यकर्ता संघ के अध्यक्ष बेरनादित तिर्की ने बताया कि कार्यकर्ता एवं सहायिका द्वारा उनकी परेशानी बताए जाने पर हम लोग फरसा बहार परियोजना अधिकारी से मानदेय के लिए गुहार लगाई थी, जो 1 सप्ताह में मानदेय दिलाने का आश्वासन दिया गया था। अब हम सब बैठकर आवश्यक कदम उठाने की सोच रहे हैं। और दोस्तों अगली बड़ी न्यूज निकल कर आ रही है राजस्थान के अलवर से। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को हटाने के आदेश किए निरस्त। सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 1 साधना सिंह ने 20 वर्ष तक उत्कृष्ट सेवा देने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के स्थान पर स्वजातीय महिला का चयन करने की नियत से कार्यकर्ता के पंचायत की मीटिंग में लगातार उपस्थित रहने के बावजूद तत्कालीन सरपंच से मिलीभगत कर बिना विधेयक प्रक्रिया अपनाए सेवा से पृथक करने के तत्कालीन CDPO उमरैन के आदेश को निरस्त करने का फैसला सुनाया है। अदालत ने कलेक्ट्रेट निदेशक व उपनिदेशक ICDS CEO जिला परिषद CDPO उमरैन BDO उमरैन तथा ग्राम पंचायत पाला के सरपंच के विरुद्ध पेश सिविल याचिका को स्वीकार करते हुए CDPO उमरैन को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया है कि याचिकाकर्ता आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सरोज शर्मा को आंगनबाड़ी केंद्र रतनगढ़ पंच उमरैन के पद पर बहाल रखा जाए। अदालत ने कार्यकर्ता के बकाया मानदेय भुगतान को ब्याज सहित अदा करने के आदेश भी दिए हैं। अधिवक्ता शिवराम सिंह नरूका व अमित पंचौली ने बताया कि 28 जनवरी 1993 को रतनगढ़ पाला की मूल निवासी सरोज शर्मा का चयन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता केंद्र रतनगढ़ के पद पर हुआ था। सरोज ने समय समय पर विभागीय प्रशिक्षण लेकर 20 वर्ष तक उत्कृष्ट व संतोषजनक कार्य किया। तत्कालीन CDPO व पाला सरपंच ने कार्यकर्ता से मनमुटाव रखने वाली अलवर निवासी पुत्रवधु से झूठी शिकायत प्राप्त कर 5 दिसंबर 2012, 20 दिसंबर 2012 व 4 फरवरी 2013 को कार्यकर्ता के मीटिंग में उपस्थित होने के बावजूद उसके विरुद्ध ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लिए। उक्त प्रस्ताव में 6 मार्च 2013 को CDPO उमरैन ने बिना सुनवाई का अवसर दिए व बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए कार्यकर्ता को हटाने के आदेश जारी कर दिए। इस पर अदालत ने 6 वर्ष तक चली सुनवाई के बाद दोनों पक्षों की दलील व पत्रावली पर आए साक्ष के आधार पर फैसला सुनाया है। तो आज मैंने आपको दी आशा और आंगनबाड़ी से संबंधित सभी मुख्य खबरें। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें अपनी फ्रेंड्स के साथ ताकि सभी को इन अपडेट्स के बारे में पता चल सके। और इसी तरह की लेटेस्ट न्यूज सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबाइए और दबाने के बाद एक बेल का आइकॉन आएगा, आप उसको भी दबाइए ताकि इस तरह का हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। पर अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।